subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। मैं हूं काशिफ अली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी हां, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कीम शुरू की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आपको बता देता हूं कि इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कब से शुरुआत हुई। ये करीब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश के 640 जिलों में लागू हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अपनी मोहर लगाई थी और 2017 से 18 वर्ष 2019 से 20 तक ये प्रस्तावित है। करीब 1132 करोड़ रुपए इसमें प्रस्तावित हैं। इस अभियान के तहत पूरे देश में लैंगिक अनुपात सुधारने और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और सेहत ठीक रखने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। अभी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 161 जिलों तक सीमित है, जी हाँ। और ये 115 सर्वाधिक जो पिछड़े ज़िले हैं वहाँ महिला सशक्तिकरण केंद्र गठित करने को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। और कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं उनके कौशल विकास, रोज़गार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और साक्षरता के अवसर से जुड़ने का मौका है। आम बजट में इसकी 14 लाख आंगनबाड़ियों में महिला सशक्तिकरण गठित करने का वादा किया था। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जी हाँ। ये मैंने आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हकीकत बताई है कि किस तरीके से ये इसको केंद्र सरकार ने लागू किया और इसके पीछे का क्या उद्देश्य था। और मैं अब आज की एक ताज़ा खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी की मौजूदगी में बुलंद होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भारत आ चुकी हैं। इवांका पहली बार दक्षिण एशिया में हो रहे वैश्विक एक एंटरप्रेन्योरशिप जो चल रही है शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगी और 28 से 29 नवम्बर को हैदराबाद में उस सम्मेलन में रहेंगी, जहाँ पर बेटी बचाओ और महिला शक्ति का जलवा दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान की महिला का हम कह सकते हैं कि जलवा दिखाया जाएगा। इवांका ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका आती हैं, उनको बताया जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि वाकई में ये हकीकत है कि देश की बेटी पढ़ भी रही है और बढ़ भी रही है। क्या सच में देश की बेटी सुरक्षित है? क्या उसकी सेहत, उसके ख्वाब, उसके हौसले, क्या वो उस तरीके की उसकी जो सोच है वो बुलंदियों पर है या नहीं? इस तरीके से अमेरिका की राष्ट्रपति की बेटी को दिखाया जा रहा है कि देश में महिलाओं को लेकर हिंदुस्तान कितना चिंतित है। लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि उत्तर मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। क्या ज़मीनी हकीकत से सरकार वाबस्ता नहीं है? क्या ज़मीनी हकीकत को सरकार पहचानना नहीं चाहती? ऐसे बहुत से सवाल हैं। ग्रामीण अगर हम क्षेत्रों की बात करेंगे, वहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार होना, महिलाओं के साथ रेप होना, महिलाओं के साथ हम कह सकते हैं कि दहेज को लेकर उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जो जिस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या समाज उन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुका है? 500 करोड़ रुपया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सरकार ने प्रस्तावित किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 करोड़ रुपया। लेकिन क्या ये सच है कि देश की महिलाओं का जो हालात हैं वो बदले हैं? लेकिन हकीकत कुछ और है। आज हकीकत ये है कि दिल्ली जैसे देश की राजधानी होने के बावजूद रात को 10 बजे के बाद एक महिला सड़क पर अकेली नहीं टहल सकती। ये एक कड़वी सच्चाई है, एक कड़वी सच। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब देश की राजधानी में अगर महिला रात को अकेले नहीं टहल सकती, तो फिर आप ग्रामीण क्षेत्रों का हाल अंदाज़ा लगा सकते हैं।
वहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के ज़िलों से लगातार खबरें आती रहती हैं, रोज़ाना अखबार की सुर्खियाँ बनी रहती हैं कि महिलाओं पर उनको अत्याचार हो गया, महिलाओं को जला दिया गया, महिलाओं को मारा गया, पीटा गया। आखिर सरकार 500 करोड़ रुपया किन चीज़ों पर खर्च कर रही है? महिलाओं का उत्थान कहाँ हो रहा है? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर हम राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को अगर हम ये तस्वीर दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की बेटी जो है वो बहुत खुश है, हिंदुस्तान की बेटी जो है पढ़ रही है, हिंदुस्तान की बेटी आगे बढ़ रही है, क्या हम इवांका ट्रंप को ये तस्वीर दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की बेटी पे जुल्म भी होता है, हिंदुस्तान की बेटी को मारा भी जाता है, हिंदुस्तान की बेटी को पीछे रखा जाता है, समाज में सिर्फ कहा जाता है कि देश पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर हर एक मामले में अगर हम छोटे से लेवल से लेके अगर हम बड़े लेवल तक बात करें, घर की डाइनिंग टेबल तक की बात करें, तो सिंगल चेयर पे भी घर पे एक पुरुष बैठता है, महिला क्यों नहीं बैठती? महिला कितनी ही आवाज़ उसकी दमदार हो जाए, लेकिन वो घर में पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर पड़ ही जाती है। आखिर इसके पीछे का हम कौन सा समाज तैयार कर रहे हैं? ये सब बातें हैं, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि कब महिलाएं जो हैं वो अपने हक को समझेंगी। और जो महिला सरकार जो बात कहती है लगातार कि महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को हम तरक्की देंगे, महिलाओं को हम ऐसा करेंगे, महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी हकीकत अगर हम बड़े शहरों को छोड़ दें, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, और हम इन शहरों को अगर हटा दें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की हालत बद से बदतर है। वहाँ पर गाँव में अगर आप जाकर देखेंगे तो महिला का घूंघट जो है वो ऊपर नहीं किया जा सकता, जब तक के गाँव में वो लोग अपने घर में रहती हैं, उनके साथ जिस तरीके की हालात वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम दहेज के पैसे लेकर आओ, तुम ऐसा करो। तो बेटी जब पैदा होती है तो घर में एक अजब सी टेंशन हो जाती है लोगों में कि अब बेटी पैदा हो गई है, तो ऐसा में एक सवाल उठता है कि सरकार जिस तरीके से स्कीम लागू कर रही है, अमेरिका की राष्ट्रपति बेटी को एक अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार जो हकीकत है, अभी ज़मीनी हकीकत है, उससे रूबरू नहीं करा रही है दुनिया को। वो क्यों नहीं बता रही है कि हमारे देश में अभी भी बेटी के साथ जुल्म होता है? हम देखें, अगर दिल्ली में वो कोई नहीं भूला है निर्भया हत्याकांड, अगर हम बात करें जिस तरीके से एक चलती बस में उस निर्भया के साथ जिस तरीके से एक हम कह सकते हैं घिनौना और हम कह सकते हैं समाज के लिए झिझोड़ने वाला जो एक जो हुआ था लड़की के साथ, वाकई में उस हिंदुस्तान के तस्वीर को उसने बहुत ज़्यादा वो कर दिया था। और जिस तरीके से हम ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, ट्रेनों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बसों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो ये सब वो जगहें हैं कि देश में अभी भी असुरक्षा के माहौल में महिलाएं जी रही हैं। आखिर ऐसे में सवाल हम ये उठा रहे हैं, क्या जिस तरीके से सरकार दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान में जो है बेटी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बेटी जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, लेकिन तस्वीर कुछ और है। इवांका ट्रंप को तस्वीर ये भी दिखानी चाहिए कि हमारे गांव की बेटी के साथ अभी वो कितनी तकलीफ़ में जी रही है। मैं ग्रामीण मामलों के जानकार अभिषेक तिवारी से बात करूँगा, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को तस्वीर दिखाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हिंदुस्तान सरकार महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन ग्रामीणों पर आप जानते हैं, आपने काफ़ी स्टोरी कवर की है, और ग्रामीणों में महिलाओं की हालत क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार से किसी विदेश की लड़की को हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से हमारे PM चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें कि बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि नरेंद्र मोदी बेटियों के लिए लड़कियों के लिए क्या दे रहे हैं? ऐसी कौन सी योजना ला रहे हैं जिसके द्वारा वो आगे बढ़ेंगी, आगे पढ़ेंगी? क्या ये नारा बस से काम चल जाएगा? यदि हम नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज देखा जाए तो कितनी बेटी बचती हैं, कितनी बेटी पढ़ती हैं, इस आप ध्यान देना पड़ेगा। गाँव की बात जो आपने बोला कि गाँव में देखा जाए तो 80% अभी भी आबादी यदि महिलाओं की लड़कियों के लिए जाए तो साक्षर नहीं है, बिल्कुल, मतलब वो पढ़ाई से स्कूल से बहुत बहुत दूर तक है। यहाँ तक कि देखा जाए कि
जब 10वीं क्लास में जाती है, 12th के बाद जाती है, उसके बाद वो कॉलेज नहीं जा पाती है, क्योंकि उनके पास वो बुनियादी सुविधाएं नहीं हो पाती है, उनको सेफ्टी उनके पास नहीं होते, सुरक्षा नहीं होता, जिसकी वजह से वो कॉलेज तक जाएं। तो जब हम ये बातें कर रहे हैं कि बेटी को बढ़ाएंगे विदेशों की, कोई ठीक है डोनाल्ड ट्रंप की लड़की की बात आप कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश की लड़की ऐसा नहीं कर सकती है? आज हमारे देश की लड़की जहाँ पे कोई भी अंतरिक्ष तक, कल्पना चावला की बात करें, अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं, क्योंकि उनको वो सुविधा मिली है। और हमारे, आज मैं आपसे बोलता हूँ अली जी, हमारे देश की लड़कियों को जब जब भी उनको सुविधा मिल जाएगी, उनको वो चीज़ मिल जाएगी जो उनकी आवश्यकता है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर और उनकी लड़की से कहीं आगे निकल जाएंगी और मिसाल हमारे देश की लड़कियों का होगा। लेकिन इसके लिए ध्यान ये देना पड़ेगा कि केवल वादों और जवाबी कार्यवाही से काम नहीं चलना, इसके लिए काम करना होता है, जो बुनियादी आवश्यकता होती है उसको मुहैया कराना होता है, और जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आप बोल रहे हो कि हम स्कीम चला रहे हैं, उस स्कीम को उस लेवल तक, ज़मीनी हकीकत तक पहुँचाना होता है। बिल्कुल, आप जिस तरीके, देखिए आपने किस तरीके से अभिषेक तिवारी ने बहुत खूबसूरती के साथ हालात बताए कि किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, महिलाओं के ऊपर जो है जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश की महिलाओं को जब जब मौका मिला है, हमारे देश की महिलाओं ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और दुनिया को ये दिखाया है कि हम हिंदुस्तान की महिलाएँ हैं, हम कल्पना चावला को नहीं भूल सकते हैं, हम सरोजनी एनी बेसेंट को नहीं भूल सकते हैं, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, हम इंदिरा गांधी को नहीं भूल सकते हैं, ये वो सब महिलाएं थी। अगर हम बात करें तो इस वक्त जो लीडरशिप में अगर हम बात करें, सुषमा स्वराज की अगर हम बात करें, ये सब वो नेता हैं जो महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने आप को, अगर हम बात करें कि आज पहली बार देश की रक्षा मंत्री जिस तरीके से एक महिला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की महिलाओं ने कुछ अच्छा नहीं करा है, लेकिन हकीकत से सरकार को भी रूबरू वाबस्ता होना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका की राष्ट्रपति बेटी को ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी यहाँ पढ़ भी रही है, बेटी बच भी रही है, लेकिन आपको वो भी तस्वीर दिखानी चाहिए कि अभी भी हिंदुस्तान में बेटी के साथ जुल्म व सितम होते हैं। खैर, आज के प्रोग्राम में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ SPN News के साथ, और उसके लिए नमस्कार।